कट करना तो बैठ क्यों जाता है। तो दोस्तों आज थोड़ा ठंड का मौसम है, मैंने अपने हाथ जैकेट्स में डाले हुए हैं और मेरा निकालने का बिल्कुल मन नहीं है। रीजन, मैं आज ऐसी मूवी का ट्रेलर करने आया हूँ, ऐसे ट्रेलर का मूवी करने आया हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, ऐसे ट्रेलर का रिव्यू करने आया, ये सही है। तो ऐसे ट्रेलर का रिव्यू करने आया हूँ जो कि एक ऑलरेडी रीमेक फिल्म है। नमस्कार करने के लिए तो हाथ निकालना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ गांधी, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल फिल्म डैडी पर। तो दोस्तों, शहजादा मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, आज मैं अपने टाइम पे हूँ। अब मत बोलना कि टाइम पे रिलीज नहीं करते हो। तो दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसमें कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की जोड़ी आपको दोबारा देखने को मिलेगी। नो डाउट ये एक अमेजिंग जोड़ी है, अच्छी लगी थी इन दोनों की केमिस्ट्री, दोबारा देखने वाले हैं शहजादा मूवी में। तो दोस्तों, हम बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शन की। इसका प्रोडक्शन टी सीरीज और अल्लू अर्जुन जी ने किया है, जिन्होंने अपनी पहली मूवी अपने अल्लू अर्जुन बेटे को लेकर बनाई थी, अल्लू वैकुंठ पुरामुला। जी हाँ, उसी मूवी का रीमेक बनाया गया है जिसमें कार्तिक आर्यन और कृति सेनन नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। फिल्म की स्टोरी लाइन सेम कॉपी पेस्ट किया गया, बस उस बार वो मलयालम में थी और इस बार ये हिंदी में रिलीज की गई है। फिल्म का एक एक डिक्टो सीन भी कॉपी नजर आ रहा है। इवन बस ऐसा लग रहा है एक्टर्स को बुलाया गया, सीन दिखाया गया कि लो भैया इसको देखो और एक्टिंग कर लो। तो इसके अलावा कुछ भी नया प्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। रोहित धवन की बुराई तो नहीं करनी चाहिए, बट उनके डायरेक्शन की तारीफ तभी कर पाएंगे जब मूवी देखी जाएगी। हालांकि थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस फिल्म का ट्रेलर देख के। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे फिल्म के ट्रेलर की, तो बट ट्रेलर को मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने अल्लू अर्जुन की मूवी देखी हुई है, तो उस मूवी में कहीं आसपास भी कार्तिक आर्यन नहीं भटक रहे हैं। इस ट्रेलर के अंदर तो मुझे अभी तक यही नज़र आ रहा है, बाकी तो फिल्म जब रिलीज होगी तो पता चलेगा कि कितना इन्होंने सुपीरियर काम किया है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कार्तिक आर्यन ये ना लगे कि उन्होंने कोई गलती कर दी इस फिल्म को साइन करके। पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस फिल्म के म्यूजिक की। इस फिल्म का म्यूजिक प्रीतम भाई ने, उन पर हम चोरी का कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, इसकी हम कास्टिंग की बात करते हैं। इसमें मेन लीड में कार्तिक आर्यन, उनके अपोजिट में है कृति सेनन, एंड उनके फादर का दो फादर का रोल हो रहा है जहां पर एक परेश रावल और अपोजिट में है रोनित रॉय। जी हाँ, मनीषा कोइराला भी आपको इसमें नजर आएंगी और राजपाल यादव भी हमारे इसमें एक्टिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। अलग अलग लोगों का कहना है, आइए कुछ पढ़ते हैं। एक दो लोगों का कमेंट, नो वन कैन बीट अल्लू अर्जुन एक्टिंग, नो वन कैन रिप्लेस अल्लू अर्जुन एक्टिंग, नो वन कैन रिप्लेस अल्लू अर्जुन सॉन्ग स्वैग एंड एक्टिंग। तो दोस्तों, नो वन कैन लिटरली रिप्लेस अल्लू अर्जुन। तो दोस्तों, अलग अलग लोगों के अलग अलग एडवाइस है, जो कि हर किसी का ज़्यादातर यही कहना है कि अल्लू अर्जुन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अब ये देखना है हमारे बॉलीवुड का शहजादा यानी कार्तिक आर्यन क्या अपना कमाल हमको दिखा पाएगा। आपको क्या लगता है, कार्तिक आर्यन वर्सेस अल्लू अर्जुन, हु इज बेटर? तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की। अब ये तो हमको 10 फरवरी को ही पता चलेगा कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा होता है। एनीवेज, दो लोगों को अल्लू अर्जुन से उम्मीदें थी, जो हम चाहते थे कि उस फिल्म का हमें हिंदी रीमेक देखने को मिले। बॉलीवुड में फाइटिंग की वजह से जितने घमासान हुआ था, इनके बीच में बहस हुई थी कि उस मूवी का हिंदी वर्जन नहीं रिलीज किया जाएगा, तो इसलिए शहजादा मूवी बनाई गई है। अब देखते हैं शहजादा मूवी बनाने का इनका डिसीजन कैसा था, ये तो हमको 10 फरवरी को ही पता चलेगा। तो दोस्तों, क्या आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो? क्या आप अपनी पॉकेट से खर्चा निकाल के इतनी ठंड में 10 फरवरी को, शायद तब तक तो थोड़ी ठंड कम हो जाएगी, 10 फरवरी को आप थिएटर्स तक जाओगे नहीं जाओगे? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए फिल्मी डैडी चैनल को, मैं बोलना भूल गया ना, फिल्मी डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।